गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से आपका स्वागत। इससे पहले वाले वीडियो में हम दो वन और टू सॉल्व कर चुके हैं और इसमें हमको सॉल्व करना है थ्री और फोर, जो कि ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुत ही आसान है, लेकिन लॉजिक के तहत अगर जानते हैं तो बस दिमाग में बैठा हुआ रहता है, जो अधिक दिनों तक आ पाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, साइन 2a बराबर दिया 2 साइन a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a के बराबर में क्या आएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसमें से कौन सा आएगा ये हमको जानना है। तो देखते हैं कि पहले वाले भाग को देखते हैं, तीसरा वाला भाग को देख, तीसरा को देखते हैं, पहले तीसरा को देखते हैं, ठीक है। दिया कि साइन 2a, साइन 2a अगर हम इसी मान से करें कि साइन 2 और a का मान अगर 0 रखते हैं, तो साइन 2a मतलब क्या, साइन 2 और a का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री होगा। साइन जीरो जीरो होता, साइन जीरो डिग्री जीरो। और फिर इसको हम इस इधर का मान को देखते हैं, कौन सा मान, इधर वाले को, टू साइन ए, टू साइन ए, तो फिर इसको अगर करते हैं टू और साइन ए का मान अगर जीरो डिग्री रख देते हैं तो फिर कितना निकला, टू और साइन जीरो जीरो, तो बराबर कितना हो गया, जीरो। यानी कि इससे भी हमको निकला जीरो और एल एच एस से भी निकला जीरो और आर एच एस से भी निकला जीरो। इसका मतलब होता है कि ये मान मेरा सही होगा। तो हम लिख सकते हैं दो का तीसरा का ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही होगा। तो ये समाप्त हुआ। फिर देखते हैं, अब दूसरा को देखिए, टू टेन 30 डिग्री बाई वन माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है ये जानना है, कि cos 60 डिग्री के बराबर है, कि sin 60 डिग्री के बराबर है, कि tan 60 डिग्री के बराबर है, कि sin 30 डिग्री के बराबर है। लेकिन ये बात तो तय है कि बराबर तब आप समझ सकते हैं जब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी का वीडियो आपको याद होगा। तो इसी के लिए अगर याद नहीं है तो पिछले वाले वीडियो जो मान सारणी है उसका वैल्यू कितना कितना होता है वो देखना जरूरी होगा, तो ये अध्याय आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, चौथा को सॉल्व करके देखते हैं, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री by 1 minus tan square 30 डिग्री। अब इसका मान बैठाते हैं तो क्या होगा, 2 into tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 by 1 माइनस टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 तो होता ही होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, बराबर दीजिए यहां से। फिर देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, कितना होगा, 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, एक 2 होगा और नीचे में रूट 3 है तो दे देते हैं ऐसे ही, बाय 1 माइनस 1/3 होगा, क्योंकि रूट का जब स्क्वायर करते हैं, रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर वाला ही आ जाता है। यहां तक सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऊपर में लिखा हुआ 2/√3 बराबर का इसका एलसीएम ले लेते हैं, वो अपना मन से नीचे में 1 कर सकते हैं, एक और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, एक दिया 3 तो 3 यहां पर आ जाएगा, अब माइनस 3 का 3 एक मतलब बटा और एक में से गुणा करके 1 होगा, ठीक है। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार, 2 आगे बढ़ते हैं, 2/√3, 2/√3 क्या लिखेंगे, 2/√3 बराबर का 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। अब इसको क्या करना है, यहां 2 बाय यहां से लिख देते, चलिए यहां से लिख देते हैं 2/√3, ठीक है, और ये भाग दे रहा है 2/√3 तो ये ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो ये
टू टू कट गया, तो बचा कितना, थ्री बाई रूट थ्री। अब देखिए थ्री बाई रूट थ्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री को लिखने के लिए रूट थ्री यहां से बता, यहां से देखिए स्पष्ट देखिए रूट तीन को लिख सकते हैं हम रूट थ्री गुणा रूट थ्री, क्योंकि रूट थ्री में रूट थ्री से गुणा करेंगे तो तीन ही होगा, और नीचे में तो रूट थ्री है ही, एक रूट थ्री से कट गया तो आया कितना रूट थ्री। अब मान का चेक करना है कितना डिग्री का मान रूट थ्री होता है, तो देखते हैं कि टेन सिक्सटी डिग्री का मान रूट थ्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर आ गया ये आपका सी सही हुआ, तो मतलब हो गया चौथा का आंसर निकल गया आपका सी, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।